हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो वैट को लेकर के है। तो स्टूडेंट्स के मन में काफी कंफ्यूजन था, कंपनी है दुर्गा ऑल टाइप जनरल स्टोर और इसी में ये एंट्री पास करनी है वैट वाली, ठीक है। तो सबसे पहले तो जरूरी है कि हम इसमें कुछ पैसे रिसीव करा लें, क्योंकि हमारे पास कैश है नहीं। तो यहाँ पर वाउचर में जाके और यहाँ से सीधा F6 प्रेस कर सकते हैं आप, और यहाँ पर हम देंगे सप्लायर का इन्वॉइस नंबर। वो डेट आएगी जिस डेट पर ये पैसे रिसीव कराए जाएंगे कंपनी में। कंपनी में रिसीव कराए जाने वाला पैसा हम कहते हैं उसे कैपिटल, तो उसे रुपए पैसे के नाम से नहीं बल्कि कैपिटल के नाम से जाना जाता है, और कैपिटल अकाउंट अंडर कैपिटल अकाउंट जाएगा। तो ये कैपिटल अकाउंट कर दिया हमने, एंटर प्रेस किया और इसे एक्सेप्ट करा लिया। यहाँ पर कितना कैपिटल इन्वेस्ट हो रहा है वो डाल देंगे, और ये कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है, और फिर यहाँ पे कैश कर देंगे। कैश का लेजर तो बनता ही नहीं है, आपको पता ही है। यहाँ पर आते हैं, ये देखिए, ये एक दिक्कत आती है, इसके विषय में मैंने डिटेल में बात की थी। यहाँ पर F3 प्रेस करता हूँ कंपनी की डिटेल को अल्टर करने के लिए। यहाँ से कंपनी की डिटेल को अल्टर कर लेते हैं हम, यही हमारी कंपनी है। यहाँ पर 1 अप्रैल 2020 है और बिगिनिंग जो है 1 मई 2020 से हो रही है। हम एक बार चेक कर लेते हैं कि हम किस डेट पर एंट्री पास कर रहे हैं। तो यहाँ से वी प्रेस करता हूँ, जहां पर हम ये एंट्री पास कर रहे हैं जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है। तो यहाँ 1/5/2020 कर लेते हैं, अब एंटर प्रेस करेंगे तो ये एंट्री पास कर पाएंगे। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, यहाँ पर जो भी रिसीव कराना है कैश वो रिसीव करा दिया हमने। यहाँ पर कैश कर देंगे, कैश का लेजर तो बनता ही नहीं है। अब ये देखिए, ये रिसीव हो गया। अब हमें जाना है परचेज वाउचर में। पहले ये चेक कर लीजिए कि वैट एक्टिवेटेड है या नहीं। तो यहां से चले जाइए वैट पर, F11 की प्रेस करके। ओके गुड, यहां पे वाई प्रेस कीजिए। चलिए कंट्रोल ए करो। क्रेडिटर पार्टी का लेजर बनाओ, अल्ट सी करो, अल्ट सी। सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप के अंदर डालो, एंटर करो, एंटर करो। यहां पे यस करो वैट को। एंटर करो, एंटर करो। एंडोर्समेंट की डेट डाल दो, चलो कोई दिक्कत नहीं है। एंटर करो, यहाँ पे परचेस का लेजर बनेगा। एंटर करो, ये अंडर परचेस अकाउंट जाएगा। एंटर करो, एंटर करो। वैट की डिटेल को यस करो, एंटर करो, यहाँ पे करो, एंटर करो। ये क्या कर रही है, 1/5/2020, एंटर करो। यहाँ पे एडिशनल टैक्स देना है दे दो, एंटर करो। चलो वेरी गुड, यहाँ स्टॉक आइटम बना लेते हैं, एंटर। यूनिट बनाओ, अल्ट सी, अल्ट सी। एनओएस कर दो, नंबर्स, एंटर 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 एंटर। अगर आप चाहते हैं कि अलग से वैट लगाना तो ही इसको हम देंगे, अदरवाइज आप इसको छोड़ भी सकते हैं। चलिए छोड़ते हैं, एंटर करते हैं, छोड़ दीजिए इसको, अल्टर ना कीजिए। यहां से वाई नहीं बल्कि एन ही रखिए, एंटर प्रेस कीजिए। अब यहां पे क्वांटिटी डाल दीजिए माउस की, 100 क्वांटिटी। कीमत डाल दीजिए 100 रुपए, एंटर प्रेस कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए। यहां पर वैट की, हम वैट के लिए हमको लेजर बनाना है, तो ये जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, जैसे कि जीएसटी भी हम ड्यूटीज एंड टैक्सेस में ही डालते हैं। यहाँ पे वैट कर दिया हमने, यहाँ पर नॉर्मल राउंडिंग रखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और इसे एक्सेप्ट करा लेंगे। तो यहाँ पर वैट कैलकुलेट होकर हमारा आ गया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और अब इसको एक्सेप्ट करा लेने की बारी है। तो कुछ इस तरीके से आप वैट लगा सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको अगर आप इस तरीके से काम करेंगे तो।